पंजाबी बोलो, पंजाबी पढ़ो, पंजाबी लिखो। एक बच्चा, एक किताब, एक अध्यापक अते एक पेन दुनिया बदल सकते हैं, मेरा विश्वास है। ये अल्फाज ने साडे वड्डे वीर सुखी बाट, साडे पुरज योधे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट कैनेडा संस्थापक पंजाब भवन कैनेडा दे। नवियां कलमा नवी उड़ान, नवियां कलमा नवी उड़ान एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया हुआ मेरे वीर ने सुखी बाट जी ने। छोटे बच्चों को इनकरेज कर रहे ने कि तुसी भी पंजाबी मां बोली ना जुड़ो, तुहाडे जो क्रिएटिविटी है तुसी अपने संस्कार तो लैके अपने परिवार नूं लैके समाज नाल सांझ पाओ। तो पिछले समय तो उन्होंने छोटे बच्चे स्कूलों के बच्चों पंजाबी मां बोली दे नाल जोड़न वास्ते एक प्रोग्राम शुरू किया है, नवियां कलमा नवियां उड़ान, जो कि सुखी बाट जी दो दिन अंतरराष्ट्रीय बाल लेखक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 16 ते 17 नवंबर संत तेजा सिंह हाल काल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्तवाना साहब डिस्ट्रिक्ट संगरूर। ये नवेकला प्रोजेक्ट पंजाब भवन सरी कैनेडा ते अकाल कॉलेज कौंसल मस्तवाना साहब डिस्ट्रिक्ट संगरूर दे सांझे उपरालन किया जा रहा है। पहली बार साडे पंजाब च, शायद पहली बार संसार दे विच, ते छोटे बच्चों दे एक कॉन्फ्रेंस कराओ, उन्हां नूं इनकरेज करो। आपां कहिंदे ना जमदियां सूलां दे मूँह तिखे हुंदे ने, तो साडे बच्चे जिहड़े आ बहुत तिखे ने, इन्हां नूं निखारना हैगा होर। आपां उसे मुहिम के तहत सुखी बाट दो दिन अंतरराष्ट्रीय बाल लेखक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आओ असी आपां उन्हां दे इस प्रोग्राम दे विच शामिल होइए ते जानदे हैं उन्होंने इस प्रोग्राम विच की उपराले किए। मैं समुचे समाज नाल सांझ पाना चाहुंदा भी जो सुखी बाट साडे पिछले 25 सालों तो उन्होंने मिशन नाल जुड़े हुए ने, पंजाब के दूर दराडे पेंडू इलाके अखां दे कैंप, कोई भी लोड़वंद इंसान जिन्हें अखां दे ऑपरेशन लोड़ हुंदी है साडे नाल संपर्क करके सेवा करवा रहे हैं। मैं जिथे अपने मिशन पुनर्जोत जो कि अनेर चानण वाल आपां शुरू किया होया पिछले 32 सालों तो, मैं धन्यवाद करदा। तो मैं दसना चाहवांगा जो कॉन्फ्रेंस सुखी बाट जी कर रहे हैं, इहदा आपां नूं साडे समाज नूं की फायदा होएगा, तो खास करके मैं अखां दे डॉक्टर होण दे नाते आप जी नाल ये शेयर करना चाहुंदा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हैगा नवी जनरेशन वास्ते। क्यों? अज की जनरेशन जी आप सारे कंप्लेन करते हैं भी मोबाइलों चिमड़े रहते हैं, मोटी मोटी एनक लगदी पईआं ने, इनडोर हो गए हुए हैं। सो बच्चे जिहड़े इन वास्ते एक नवा एक प्लेटफॉर्म हैगा जिसे बच्चे की क्रिएटिविटी जो उसके दिल के दिमाग चल रहा होएगा, नवे नवे आइडियाज़ आएंगे, वो समाज में जो संवेदनशील होकर समाज में देखेगा घर की संस्कार ने सू की लोड़ा ने। पहला तो बच्चा इदा लिटरेचर पढ़ेगा, जब किसी ने कोई पोइम या कविता लिखनी होंगी है सब तो पहले बच्चे पढ़न की आदत पेगी अच्छे लिटरेचर की, फिर बच्चे एक सोच आएगी, क्रिएटिविटी आएगी कि मैं भी अच्छा लिखा। तो मोबाइल जो गेम है ने अडिक्शन हुई हुई है, कि नुकसान हो रहा है मोबाइल चलाने वाले बच्चे तो साढ़े को आते हैं, इन्ना बुरा हाल है बच्चों की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो रहा है, इन ह्यूमन बिहेवियर हो गए हुए हैं। आप देखते कितनी घटनावान हो रही ने, बच्चे माँ बाप न मार देंगे ने, इन्हें बुरा हाल मोबाइल से एडिक्शन हो गई, उन्होंने आइसोलेट होंगे ने, किसी ने शेयर नहीं करते। लेकिन जोड़ा बच्चा कविता लिखेगा पोइम लिखेगा वो पहला उस लिटरेचर समझेगा, समाज समझेगा कि क्रिएटिविटी चलती पी है, कि वह समाज में दे सकता है, कि अच्छा बेहतर कर सकता है, वो बारे वो सोचेगा, जो सोचेगा कि चंकी सोच बनूगी बच्चों की, तो चंकी सोच बनूगी चंगा समाज बनेगा। सो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव सुखी बाट जी लै रहे हैं। आओ असी आप दो दिन का जोड़ा 16 ते 17 नवंबर में मस्तवाना साहब प्रोग्राम हो रहा उस पहले तो इनकरेज करिए समुचे पंजाबी भाईचारे को, समुचे देश में, समुचे संसार में भी इस तरह के इनिशिएटिव ले जा सकते हैं। इनकरेज करिए, थापी देिए उन्होंने भी एडा वड्डा कार्ज कैनेडा तो आके साडे पंजाब वास्ते कर रहे हैं, आप क्यों पिछे रहिए, पंजाबी साडे बच्चों वास्ते तो करते पे ने। सो बच्चों की डिवेलपमेंट वास्ते कोई गल ही नहीं कर रहा कोई। आओ मैं समुचे भाईचारे को मैं बेनती कराँगा साडे इस सुखी बाट जी की जोड़ा इनिशिएटिव है नवियां कलमा नवी उड़ान नू नाल शामिल होइए, इन्हों थापी देिए, दसो होर की करना, किसी तरह की वॉलंटियरशिप हैगी है, किसी तरह की भी शामिल होकर आप एक चंगा समाज सिर दीए। एक नवा इनिशिएटिव होएगा साड़ी सोसाइटी रीशेप करन दा, एक नवे युग का आगाज होएगा। आओ असी आप सुखी बाट जी के इनिशिएटिव नाल
ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਕਿ 16-17 ਨਵੰਬਰ ਮਸਤੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਲੇਖਕ ਡਾਕਟਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਸਕਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨਗੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸੁੱਖੀ ਬਾਟ ਜੀ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਾਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹਾਈ ਲਵਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੁਨਰਜੋਤ ਹਨੇਰੋ ਚਾਨਣ ਮੀਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਮੇਸ਼ ਲੇਸਿਕ ਅਤੇ ਕੈਟਰ ਸਰਜਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁਨਰਜੋਤ ਆਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਸ਼ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਆਈ ਐਲ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਮਹਾਂਦਾਨ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਮਹਾਂਦਾਨ